मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को वचन पत्र का नाम दिया है और इसमें प्रमुख तौर पर 101 गारंटियों का जिक्र किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने धान 2600 रुपए और गेहूं 2599 रुपए में खरीदने का वादा किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने सत्ता में आने पर गोबर खरीदने का वादा भी किया है। कांग्रेस ने युवाओं से 2 लाख नई भर्ती करने का वादा किया है, साथ ही किसानों का कर्जा माफ करने का भी वादा किया है। कांग्रेस ने सत्ता में आते ही पुरानी पेंशन बहाल करने का बड़ा वादा किया है। वचन पत्र में 225 मुख्य बिंदु हैं और 1290 वचन हैं। आज हम 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र जारी कर रहे हैं। वचन पत्र के साथ 7 वर्गों के लिए हमने अलग एक पेपर बनाया है, वो भी हम जारी कर रहे हैं। किसानों के लिए एक अलग पेपर बनाया है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, हर परिवार के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, आस्था व विश्वास के लिए। वचन पत्र तो बन जाता है पर इसका क्रियान्वयन करना बहुत बड़ी चुनौती है। मैं जानता हूँ कि हमने वचन दिया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। सब शासकीय वक्त मुझे कहें ये कैसे होगा, पर मध्य प्रदेश की जनता है मुझे जो गवाह है कि हमने 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ किया। ये कोई सहमत नहीं था। जब मैंने कहा 100 यूनिट 100 रुपए, कैसे ये कागज लाओ वो कागज लाओ, मैंने कहा बिजली का बिल लाओ 100 यूनिट का, किसी का भी बिल हो हम माफ करेंगे, क्योंकि हमें सरलीकरण करना। सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम शासकीय व्यवस्था में सरलीकरण कर सकते हैं। ये आज मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती है। जैसे 20 साल पहले 10 साल पहले शासकीय सिस्टम चलता था, जब कोई इंटरनेट नहीं था, जब कोई लैपटॉप नहीं था, और आज में बहुत अंतर है, ये हमें समझना है। अंतर तो हो गया पर हमारे सिस्टम में अंतर कैसे होगा, ये सिस्टम में अंतर लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और चुनौती है। तो इसको वचन पत्र के लिए हम क्रियान्वयन करने के लिए हमने मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था करने का निर्णय लिया है और उसे भी। वहीं कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव के लिए नारे का भी ऐलान किया है। उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी का नारा दिया है के लिए कांग्रेस के नारे की भी औपचारिक घोषणा कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश का हर परिवार खुशहाल हो, इसलिए इस बार हमारा नारा है कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी, ये हमारा नारा है। अब तक कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता को जो वचन कांग्रेस ने महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए नारी सम्मान निधि के तौर पर देने का वादा किया है। कांग्रेस ने घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का भी ऐलान किया है। साथ ही बिजली 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ के दर पर मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा दिव्यांगजनों की पेंशन की राशि बढ़ाकर 2000 रुपए करने का भी वादा किया है। साफ है कि मैनिफेस्टो में समाज के हर वर्ग को रिझाने की कांग्रेस ने भरपूर कोशिश की है, लेकिन अपनी कोशिश में कांग्रेस किस हद तक कामयाब होगी ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्यू वाइफ नेटवर्क।